बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो लाइव दिस इज काशिफुद्दीन, सीईओ फाउंडर है शिफाई ट्रेनिंग्स, और मैं तो सब आप यह स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल की वीडियो नंबर 9 के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज एंड रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स। यस, हम देखेंगे किस तरह से हम पेज एंड रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स अपने माइक्रोसॉफ्ट आरबीआई के डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और डेफिनेटली से कंसर्न लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड पर अगर हम पेज लेवल फिल्टर इंसर्ट करना चाहते हैं या रिपोर्ट लेवल फिल्टर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो फिल्टर्स किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये फिल्टर्स का एक पेन अवेलेबल होता है, बाय डिफॉल्ट ये अभी इसमें डिसेबल है। मैं ऐसे इस तरह से क्लिक करूंगा तो ये पेन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फील्ड्स हैं, एक जगह वो कह रहा है कि जी फिल्टर ऑन दिस पेज, और दूसरी जगह है फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। फिल्टर ऑन दिस पेज क्या करेगा कि जो भी फिल्टर, यानी अगर मैं उसके अंदर जो भी फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो वो सिर्फ इसी पेज पर उस फिल्टर को अप्लाई करेगा, और अगर हम फिल्टर ऑन ऑल पेजेस कर देंगे तो इस रिपोर्ट के अंदर जितने भी डैशबोर्ड है या जितने भी पेजेस हैं वो फिल्टर उन तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई होगा। अब फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे लाइक सेल पर्सन का फिल्टर पेज लेवल पर एंटर करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास सेल पर्सन आ रहे हैं, फिल्टर अप्लाई हो गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया सिर्फ बॉब का डाटा आ रहा है, अब बॉब एंड कैरलस का डाटा आ रहा है, इसी तरह से गिल का डाटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिल्टर अप्लाई हो गया, बट जब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहां पर ये फिल्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पेज लेवल फिल्टर जो है वो अप्लाई किया है। अच्छा, अगर हम यही फिल्टर जो है वो रिपोर्ट लेवल अप्लाई करें, एग्जांपल है मैं इसे यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली से यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अब यही फिल्टर हम लगाते हैं सेल पर्सन का फिल्टर पेज लेवल पे ऑन ऑल पेजेस। अब अगर मैं यहाँ पे बॉब पे क्लिक करूँ, कैनवस पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पर ये फिल्टर काम कर रहा है, और जब हम पेज टू पे जाएंगे तो वहां पर भी जो डाटा होगा वो अकॉर्डिंग टू द फिल्टर काम करेगा। यानी अब ये फिल्टर पूरे पेज पर सॉरी तमाम रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, जितने भी पेजेस हैं उन सब के ऊपर ये फिल्टर अप्लाई हो रहा है। अब फर्ज कीजिए मैंने यहाँ से ये तीन सिर्फ जो है वो सेल पर्सन सिलेक्ट किए, तो आप देख सकते हैं कि जो पेज वन है उसके ऊपर भी सिर्फ यही सिलेक्शन आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिपोर्ट लेवल फिल्टर कहलाते हैं, और इससे पहले जो हमने किया था वो हमारे पास पेज लेवल फिल्टर है। पेज लेवल जो फिल्टर होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल पेज पर होते हैं, और जो रिपोर्ट लेवल फिल्टर होते हैं वो तमाम पेजेस पर या जितने भी डैशबोर्ड हमारी रिपोर्ट में होते हैं वो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं जी। गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पेज लेवल फिल्टर यूज करते हैं और किस तरह से हम रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स को माइक्रोसॉफ्ट आरबीआई के डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। वीडियो यहीं पर अपनी एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, उनका भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा कि जो आपका ख्याल रखते हैं, और उनका भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा कि जो आपका ख्याल नहीं रखते हैं, और उनका तो आपने बहुत सारा ख्याल रखना है कि जो आपका ख्याल रखते हैं मगर अपना ख्याल रखना जो है वो भूल जाते हैं। प्यारे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अच्छे करते रहा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।